दोस्तों, आज हम कुछ ऐसे लोगों के बारे में बात करने जा रहे हैं जिन्होंने फिल्मी जगत एवं अन्य जगतों में भी अपना खूब नाम कमाया और अपनी जन्मभूमि का नाम रोशन किया है। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है लक्ष्य शर्मा और आज हम बात करेंगे टॉप 8 सेलिब्रिटीज फ्रॉम बरेली और ये है आपका अपना चैनल नॉलेज डेस्टिनेशन। सुनीता राजभर, जिनका जन्म 6 नवंबर 1969 में हुआ था, इनकी जन्मभूमि बरेली उत्तर प्रदेश है। इनकी उम्र 51 वर्ष एवं पेशा अभिनेत्री का है। इनके कुछ प्रमुख टीवी सीरियल्स जैसे 1:40 का आखिरी लोकल एवं यह रिश्ता क्या कहलाता है। मीरा मिश्रा, जिनका जन्म 17 अप्रैल 1990 में उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में हुआ था, इनकी उम्र 29 साल है। यह एक हिंदू ब्राह्मण परिवार से हैं। इनके कुछ प्रमुख टीवी सीरियल्स जैसे गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा, बहू बेगम, महाराजा की जय हो और उदयन हैं। हिबा नवाब एक भारतीय टेलीविजन अभिनेत्री हैं, जिनका जन्म 14 नवंबर 1996 बरेली में हुआ था, इनकी उम्र 24 साल है। इनके कुछ मुख्य टीवी सीरियल्स जैसे तेरे शीर, चैनल वी इंडिया, क्रेजी स्टूपिड इश्क हैं। कृतिका कामरा, जिनका जन्म 25 अक्टूबर 1988 उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में हुआ था, यह एक भारतीय फिल्म और टेलीविजन अभिनेत्री भी हैं। इनके कुछ प्रमुख टीवी सीरियल्स जैसे कितनी मोहब्बत है, प्यार का बंधन, कुछ तो लोग कहेंगे एवं कितनी मोहब्बत है भाग दो आदि हैं। दिशा पाटनी, जो कि एक अभिनेत्री हैं, जिनका जन्म 13 जून 1992 बरेली में हुआ था, इनकी उम्र 28 साल है। इन्होंने बॉलीवुड की कई फिल्मों में किरदार निभाया और खूब नाम कमाया है, जिनमें मुख्य फिल्में MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी, बागी 2 एवं मलंग हैं, जिनमें इन्होंने बहुत ही अच्छा किरदार निभाते हुए बरेली का नाम रोशन किया है। जाहिद हुसैन, जिन्हें कलम नाम से लोग वसीम बरेलवी कहते थे, इनका जन्म 8 फरवरी 1940 उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में हुआ था। ये पेशे से कवि एवं शैली में उर्दू शायरी, हिंदी कविता एवं शायरियां गाते हैं। पारस अरोड़ा, जिनका जन्म 10 जनवरी 1994 बरेली उत्तर प्रदेश में हुआ था, इनकी आयु 27 वर्ष है। ये पेशे से अभिनेता हैं, जिन्होंने बरेली का नाम खूब रोशन करा है। इनकी मुख्य फिल्में आओ नाचे, रज्जो एवं कैप्टन नवाब है। रति अग्निहोत्री, जिनका जन्म 10 दिसंबर 1960 बरेली उत्तर प्रदेश में हुआ था, इनकी उम्र 60 वर्ष है एवं यह पेशे से अभिनेत्री हैं। इनकी कुछ मुख्य फिल्में जैसे उथिया वरपुगल एवं निरम मथुरा पुक्कल है। इन्हें बहुत से पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जैसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार एवं सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार तबायफ फिल्म के लिए 1985 में मिला था।